उत्तर प्रदेश में चुनाव के नज़दीक आते ही बड़ी बड़ी पार्टियों के रुख और उनके नेताओं के तेवर अचानक से बदल जाते हैं। एक समय जो साथ रहते हैं वो परिस्थिति को देखते हुए चुनाव आते ही उसके खिलाफ होने से कुरेज नहीं करते। कुछ ऐसा ही देखने को मिला उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में, जहां गाजीपुर तिराहा स्थित एक कार्यकर्ता सम्मेलन में भारतीय सुहेल देव पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर ने अपनी अब तक की सहयोगी पार्टी बीजेपी के खिलाफ बगावती तेवर दिखाए हैं। कार्यकर्ता सम्मेलन में ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए उन्हें डूबती नैया बताए हैं। 2022 के लिए मैं आज 20 महीने से भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया हूं, जिसमें प्रेमचंद प्रजापति, बाबूराम पाल, राम सागर बिंद, रामकरण कश्यप, अनिल चौहान, बाबू सिंह कुशवाहा, किसड़ा पटेल, राजकुमार सैनी, ऐसे 10 दल हम लोगों ने मिलकर के भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है। कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी, इन तीनों में से कोई हमारे मोर्चे में शामिल होना चाहे तो इनका स्वागत है। भाजपा क्यों नहीं? भारतीय जनता पार्टी डूबती हुई नैया है, उस पर जिसको मरना है वो जाए। कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये तीनों को मिला दिया, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, और तीनों मिल के परमाणु बम 22 के चुनाव में ये बूथ पर जाएगा और जब जिस दिन गिनती होगी उस दिन फूटे। राजभर ने आगामी चुनाव में विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने और जीतने का दावा किया है। जाहिर है कि चुनावी मौसम में परिस्थितियों को देखते हुए राजभर की ये सोच कोई नई बात नहीं है। ऐसे में उनका ये कदम उनके हित में कितना सही साबित होता है ये तो चुनाव के बाद आने वाले नतीजों से ही पता चल पाएगा। मऊ से दिल से यूपी चैनल के लिए विनय श्रीवास्तव की रिपोर्ट।